वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बिजी में, नेक्स्ट फीचर करेंगे जिसका नाम है क्रेडिट लिमिट। आप कस्टमर्स के लिए, अपनी पार्टीज के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप वाइज सेट करना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी सेट कर सकते हैं। अगर मास्टर्स वाइज सेट करना चाहते हैं तो मास्टर्स वाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कहाँ से फीचर को इनेबल करना है और कैसे आपने उसको अप्लाई करना है बिजी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स ऑप्शन आएगा। यहाँ आपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है, अकाउंटिंग जहाँ पे सारे फीचर्स आते हैं। बिल बाय बिल डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है क्रेडिट लिमिट्स। क्रेडिट लिमिट पे आप इसको इनेबल करते हैं एंड यहाँ से सेव पे क्लिक कर देते हैं। ओके, इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में ही आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जिसमें एक ऑप्शन होता है वार्निंग अलार्म्स। यहाँ पे आप वार्निंग अलार्म्स में क्रेडिट लिमिट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे वार्निंग अलार्म्स को। नो एक्शन, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ, आप यहाँ पे कौन सी वार्निंग सेलेक्ट करेंगे। नो एक्शन मीन्स अगर क्रेडिट लिमिट ओवर हो जाती है पर्सन की तो कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ आपको वार्निंग मिलनी चाहिए, या फिर वाउचर आपको एक्सेप्ट करके ही ना दे, मतलब आपका अलाउ ही ना करे एक्सेप्ट करना। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वार्निंग ओनली। हमें वार्निंग मिल जाए कि ये जो पर्सन है इसकी जो क्रेडिट लिमिट है ये ओवर हो चुकी है, उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक पार्टी के नाम का मास्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मास्टर्स पे अकाउंट्स में यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पार्टी बना ली, सपोज मैंने यहाँ पे बनाया पंकज एंटरप्राइजेस, अपनी एक पार्टी का नेम मैंने बनाया है। इसको मैंने ले लिया अंडर सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम डेटर्स लेंगे वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट, क्या आप इसके लिए क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं। यस, आई वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट हियर। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट अलाउड, यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी 30,000 rupees फॉर पंकज एंटरप्राइजेस। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसको एक रजिस्टर्ड पार्टी बना लिया है, दिल्ली से ही इसको रजिस्टर्ड किया है। और यहाँ पे हम इनका GST नंबर फिल कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे GST नंबर फिल कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। पार्टी के नेम को मैंने यहाँ पे सेव किया। अब हम यहाँ पे पार्टी को सेल की ट्रांजेक्शन करके देखते हैं। सेल्स में मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे हमने GST 18% ले लिया एंड पार्टी नेम मैंने यहाँ पे ले लिया पंकज एंटरप्राइजेस। इसको मैं सेल करती हूँ आइटम वाइज। अगर मैं यहाँ पे आइटम लेती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर्स, तो मैंने यहाँ पे 10 computers, 2 computers मैंने सेल कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो टोटल यहाँ पे शो कर रहा है अमाउंट, वो मेरा 40,000 rupees कर रहा है। ओके, सपोज़ मैं यहाँ पे 2 pieces की जगह 1 piece लेती हूँ, ओनली 1 piece, तो आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट 20,000 rupees है। अप्लाई टैक्स करूँगी तो यहाँ पे 23,600 rupees का मेरा टोटल इनवॉइस बनता है। इसको मैं सेव करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास, मैं ओके करती हूँ, ये नॉर्मली मेरा इन्वॉइस जो है वो सेव हो चुका है, क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो मेरी 30,000 rupees थी, बट मैंने जो अभी सेल किया है वो मैंने ओनली 23,600 rupees की सेल की है। अगर हम मोर देन 30,000 करेंगे तो हमारे को ये वार्निंग शो करेगा। तो चलिए एक और इन्वॉइस हम बना के देखते हैं। यहाँ हम पंकज एंटरप्राइजेस ले लेंगे, एक और सेल की ट्रांजेक्शन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं, लैपटॉप हम सेल करते हैं, 2 laptops मैंने यहाँ पे सेल किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल अमाउंट है
वो 50,000 रुपीज़ हो गया, और हम यहाँ पे अप्लाई टैक्स करेंगे, तो टैक्स लगने के बाद जो हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू बनती है वो बनेगी 59,000 रुपीज़। बट हमने पंकज एंटरप्राइजेस को जो लिमिट दी थी वो हमने 30,000 की लिमिट दी थी, और पहले भी हम 23,600 रुपीज़ की सेल कर चुके हैं पंकज एंटरप्राइजेस को। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंकज एंटरप्राइजेस का करंट बैलेंस आपको शो कर रहा है 23,600 रुपीज़, और यहाँ पे सेकंड सेल में हमारा जो इनवॉइस वैल्यू है वो 59,000 रुपीज़ हो चुका है। अब जब आप इसको सेव करेंगे आपके पास यहाँ पे क्रेडिट लिमिट शो करेगा, पंकज एंटरप्राइजेस इज एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांजेक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ आपको जो वाउचर है वो वार्निंग दे देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेती हूँ यस करके और यहाँ पे ओके करती हूँ, ये मेरा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ से F5 से लिस्ट चेक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वार्निंग मिल गई कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आफ्टर क्रेडिट लिमिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। ओके, तो ऐसे करके आप अपने पार्टीज़ के लिए क्रेडिट लिमिट को मैनेज कर सकते हैं, और आपको ऐसे पता रहेगा कि आपने कौन से कस्टमर को आफ्टर वार्निंग कितने का सामान सेल किया और कौन सी पार्टी से आपने टाइम टू टाइम पेमेंट लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आपको आई थिंक हेल्प करेगा ये वाला फीचर। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में, आप ये करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।